देखिए आपने वो नरेंद्र मोदी वाला चमचों वाला इंटरव्यू देखा है, जहां चार चमचे उनके सामने बैठते हैं, जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे पहले पेपर इंटरव्यू लीक हो जाता है उनको, नरेंद्र मोदी को पहले मिलता है। ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? ये परमात्मा लेता है, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए, आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। देखिए आपने वो नरेंद्र मोदी वाला चमचों वाला इंटरव्यू देखा है, जहां चार चमचे उनके सामने बैठते हैं, वो पहले जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे पहले पेपर इंटरव्यू लीक हो जाता है उनको, नरेंद्र मोदी को पहले मिलता है। अब एक इंटरव्यू में चमचे ने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, क्या काट के खाते हो या चूस के खाते हो? दूसरे ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले सोचते हैं थोड़ी देर, ऐसे सोचते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, और फिर कहते हैं ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए, आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए, आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी, आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने 1 युवा को नौकरी नहीं दी। यहां हाथ उठा के दिखाओ भैया, बेरोजगार, ये बेरोजगार हाथ उठा के दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता।